वेलकम गाइस, वेलकम टू वेड्यू। सो टुडे वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में हमें पता है कि साल जो चालू होता है वो होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से जो है वो साल चालू होता है और वो ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो अगर आप कोई भी टाइम पे कोई इनकम अर्न करते हो, कोई इनकम कमाते हो, तो उस ईयर को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आपको उस इनकम पे टैक्स देना है उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए कि आपने 20 अक्टूबर 2021 को कोई इनकम कमाई है, 20 अक्टूबर 2021 को, तो आपका प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ओके, और इस इनकम पे आपको टैक्स देना होगा असेसमेंट ईयर में, और असेसमेंट ईयर चालू होता है अगले साल। प्रीवियस ईयर का जो अगला साल होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो 31 मार्च 22 को प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, 1 अप्रैल 2022 को चालू हो जाएगा असेसमेंट ईयर। इस ईयर के दौरान आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और उस पर टैक्स पे करना होता है। ओके, तो प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता है कि पिछला साल। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है द ईयर जिस साल में आपने इनकम कमाई, और उस ईयर पे टैक्स, इनकम पे टैक्स आपको असेसमेंट ईयर पे देना। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।